हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कास्टिंग का कोर्स हो रहा है। तो जिस कास्टिंग कोर्स में आज लेक्चर नंबर 13 है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गेटिंग डिज़ाइन के बारे में, कास्टिंग ईल्ड क्या होता है और एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये कोर्स में मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कवर किए हैं। ये डिटेल्ड और कंप्लीट कोर्स है कास्टिंग का फॉर गेट मैकेनिकल, गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ईएससी मैकेनिकल वालों के लिए। तो आज के इस लेक्चर में शुरू करते हैं हम लोग गेटिंग डिज़ाइन से। अभी तक मैंने इस पूरे कास्टिंग के कोर्स में थ्योरी कवर कर ली है। अब आती है बात न्यूमेरिकल वाले पोर्शनों की। तो जैसे एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट, इसमें जो टाइम कितना लगता है किसी कैविटी को फिल करने में, बॉटम गेटिंग सिस्टम, टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये सब न्यूमेरिकली पोर्शन है। तो अब इससे ऑनवर्ड जो भी लेक्चर आएंगे वो थोड़ा न्यूमेरिकली होंगे। तो थ्योरी में जितना भी था वो मैंने सारा कवर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं गेटिंग डिज़ाइन से। गेटिंग डिज़ाइन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे कास्टिंग में। मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी पहले बता चुका हूँ गेटिंग डिज़ाइन के बारे में। ये एक फ्लास्क होता है, फ्लास्क में यहाँ पे मोल्ड कैविटी क्रिएट होती है, यहाँ पे एक राइज़र होता है। सबसे पहले है यहाँ पे एक फ्लास्क होता है, फ्लास्क में हम लोग मटेरियल को, मोल्टन मटेरियल को फिल करते हैं। तो ये फ्लास्क से मोल्टन मटेरियल स्प्रू में जाता है, ये पोर्शन स्प्रू कहलाता है। और इसी स्प्रू में यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा हुआ होता है। तो ये पूछ लेते हैं स्ट्रेनर कहाँ लगा हुआ होता है, तो स्प्रू में लगा होता है। और स्ट्रेनर का यूज़ क्या है, स्ट्रेनर का यूज़ होता है, ये एक सिरेमिक फिल्टर होता है, और सिरेमिक फिल्टर जिसका यूज होता है टू रिमूव इम्प्योरिटी इन मोल्टन मटेरियल। मोल्टन मटेरियल में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उसको ये अलग कर देता है, ये इसका काम होता है। तो स्प्रू के बाद ये स्प्रू वॉल में जाता है या स्प्रू बेस में जाता है मोल्टन मटेरियल। तो स्प्रू बेल या स्प्रू बेस में स्प्लैश कोर होता है। क्या होता है, स्प्लैश कोर। स्प्लैश कोर का क्या काम होता है, तो जो स्प्लैश कोर का ये काम होता है कि जो हाई स्पीड से मोल्टन मटेरियल आ रहा है वो इससे जो जो यहाँ सैंड है उससे डायरेक्ट टकराएगा और उस सैंड को इरोड आउट कर लेगा। तो उससे बचाने के लिए यहाँ स्प्लैश कोर लगा देते हैं। तो अब ये मोल्टन मटेरियल जो हाई स्पीड से आया वो सैंड से न टकरा के स्प्लैश कोर से टकराएगा, तो जिससे कि हमारी जो सैंड है वो डैमेज नहीं होगी। और अगर सैंड डैमेज हो गई तो हमारी ये सैंड इरोड आउट होके मटेरियल के साथ मिक्स हो जाएगी और ये फाइनल प्रोडक्ट में हमारे सैंड आ जाएगी। तो यहाँ पे स्प्लैश कोर लगा हुआ होता है टू अवॉइड इरोजन ऑफ सैंड इन मोल्ड। इसके बाद ये वाला पोर्शन पूरा रनर कहलाता है। मोल्टन मटेरियल स्प्रू के बाद, स्प्रू बेस के बाद रनर में जाता है। तो रनर में भी दो चीज़ें होती हैं। पहला इसको बोलते हैं स्किन बॉब, ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्किन बॉब। स्किन बॉब का क्या काम होता है, हैवियर इम्प्योरिटीज़ को ये सेटल डाउन कर देता है, हैवियर इम्प्योरिटीज़ को आगे नहीं जाने देता है, यहीं रोक लेता है। जो भारी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, जिसका वेट ज़्यादा होता है जिन इम्प्योरिटीज़ को, वहाँ उसको ये यहीं रोक लेता है। उसके बाद ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा का क्या यूज़ है, इसका यूज़ है कि कोई भी एयर बबल्स को ये अंदर नहीं जाने देता है। अगर मोल्टन मटेरियल में एयर बबल आ गए तो उसको ये यहीं पे रोक देगा, तो अंदर जो मोल्टन मटेरियल जाएगा वो एयर फ्री जाएगा या बबल फ्री जाएगा। तो इसके बाद जब रनर के बाद यहाँ पे गेट के थ्रू मोल्टन मटेरियल अंदर मोल्ड कैविटी में इंटर कर जाएगा, और फिर जो लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ राइजर लगाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस पूरे गेटिंग डिज़ाइन को। जो स्प्रू होता है उसका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट के कारण, वो मैं आपको लेक्चर में अभी बताऊंगा आगे। और जब इस फ्लास्क में जाएगा मटेरियल, फ्लास्क से स्प्रू में, स्प्रू में स्ट्रेनर होता है, स्प्रू के बाद स्प्रू वेल या स्प्रू बेस में, वहाँ पे स्प्लैश कोर होता है। फिर उसके बाद जाएगा रनर में, रनर में दो चीज़ें होती हैं, एक स्किन बॉब और दूसरा
वेना कॉन्ट्रैक्टा और फिर फाइनल मोल्ड कैविटी में मटेरियल चला जाएगा। ये आपका गेटिंग डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आप सभी इन टर्म्स को याद कीजिए कि ये टर्म कहाँ पे हैं और इन टर्म्स का यूज़ क्या है। मैंने अच्छे से बता ही दिया है आपको, तो आप सब लोग याद कर सकते हैं। सबसे दूसरे नंबर पे आता है गोल्स ऑफ गेटिंग डिज़ाइन। गेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, हम लोग क्यों गेटिंग सिस्टम का गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो जो भी अंदर गैसेस होती हैं, ट्रैप्ड गैसेस, उसको इवॉल्व करने के लिए और उसको जो मिनिमम से मिनिमम अंदर गैसेस बन रहें, इसके लिए हम गेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारी गेटिंग डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी मटेरियल हमारा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो, तो उससे पहले हमारी पूरी मोल्ड कैविटी मोल्टन मटेरियल से फिल हो जाए। अगर फिल होने से पहले मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो क्या होगा, उसके आगे जो मोल्टन मटेरियल को नहीं जाने देगा और हमारा पूरा मोल्ड कैविटी कवर नहीं हो पाएगी मटेरियल से, तो हमारे मटेरियल में डिफेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। श्रिंकेज को कम करने के लिए हम गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, टेम्परेचर ग्रेडियंट को कांस्टेंट रखने के लिए। मतलब गेटिंग डिज़ाइन इस प्रकार से डिज़ाइन होनी चाहिए कि जो हमारा मटेरियल की सॉलिडिफिकेशन हो वो चारों तरफ से एक जैसा हो। ये नहीं हो कि जैसे ये पूरा मटेरियल है, इस वाले पोर्शन में मटेरियल का जल्दी सॉलिडिफिकेशन होने लगा और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो ही नहीं रहा है, तो दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। एक ही प्रोडक्ट के एक साइड ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, दूसरी तरफ कम स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग गेटिंग डिज़ाइन करते हैं। अब बात आती है कास्टिंग यील्ड की। कास्टिंग यील्ड क्या होती है? कास्टिंग यील्ड में आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनपुट, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ जितना आउटपुट में हमें मटेरियल मिल रहा है उसका वॉल्यूम और जितना इनपुट हमने मोल्टन मटेरियल दिया है उसका। तो इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमने आउटपुट क्या मिला है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग हमारा आउटपुट है, कि जितना कास्टिंग का वॉल्यूम है वो हमारा आउटपुट है, वो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैंने मोल्टन मटेरियल कितना सप्लाई किया, दैट इज़ इनपुट। तो कितना सप्लाई किया, जितना कास्टिंग में मोल्टन मटेरियल होगा वो, और जितना वीसी, और जितना गेटिंग सिस्टम में हमारा मोल्टन मटेरियल होगा वो। गेटिंग सिस्टम का मतलब स्प्रू में, रनर में और फ्लास्क में, इन तीनों जगह जितना मोल्टन मटेरियल हमारा फिल होगा वो हो गया गेटिंग सिस्टम का वॉल्यूम। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग और वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग सिस्टम, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर वॉल्यूम अगर रेशियो और मास का रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम ही, मटेरियल एक ही है, इसलिए इसका वॉल्यूम और रेशियो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग सिस्टम, या मास ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ कास्टिंग प्लस मास ऑफ गेटिंग सिस्टम, ये रेशियो होता है, कास्टिंग यील्ड कहलाता है। जो तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट मतलब कि देखिए, जब हम इसको मोल्टन मटेरियल यहाँ फिल करना शुरू करते हैं तो क्या यहाँ पे पहले से एयर कुछ फिल होगी? वैक्यूम में तो हम कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एयर होगी। तो जब ये मोल्टन मटेरियल यहाँ अंदर जाएगा तो यहाँ जो एयर है वो इसको पुश करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो ये मोल्टन मटेरियल फुल हो तो ये एयर यहीं से बैक होके बाहर निकल जाए, तो ये एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट होता है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम स्प्रू की कुछ डिज़ाइन करते हैं। तो ये स्प्रू की डिज़ाइन है, इससे हम स्ट्रेट ना करके थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। अगर देखिए स्ट्रेट होगा तो क्या दिक्कत आएगी, हम यहाँ पे एयर पहले से है, हमने मोल्टन मटेरियल फिल किया, अब ये एयर कोशिश करेगी कि यहीं से बाहर निकलने के लिए, और जब ये ऐसा कोशिश करेगी यहीं से बाहर निकलने के लिए तो ये मोल्टन मटेरियल के साथ मिक्स हो जाएगी और यहीं पे बबल फॉर्मेशन करने लगेगी,
और बहुत इतना ज़्यादा बबल बन जाएगा कि आप उसको एलिमिनेट आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम लोग हमेशा थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। तो जब हमने इसको थोड़ा सा टेपर कर दिया तो अब हम मोल्टन मटेरियल अंदर भेजेंगे तो जो एयर है उसको जगह नहीं मिलेगी कि यहीं से वापस निकल जाए, तो वो एयर आगे जाएगी रनर के थ्रू, मोल्ड कैविटी के थ्रू, राइजर के थ्रू बाहर निकलेगी। तो ये इसके लिए हम लोग एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट को लिए हम इसे स्प्रू का डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रू में ये याद रखिएगा, पूरी हाइट को हम लोग एच टी बोलते हैं, ऊपर जो फ्लास्क है उसकी हाइट को हम एच सी बोलते हैं और नीचे स्प्रू की हाइट को हम एच एस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डिज़ाइन के लिए एक डेरिवेशन है, वो कैसे करेंगे वह यहीं बता देता हूँ मैं। तीन पोर्शन लेंगे, सबसे ऊपर वाला पोर्शन पहला, दूसरा बीच वाला, तीसरा नीचे वाला। तो सबसे पहले हम लोग पहला पोर्शन और तीसरे पोर्शन में बर्नौली लगाएंगे और फिर दूसरे और तीसरे में बर्नौली लगाएंगे। दोनों में बर्नौली लगाने से क्या होगा, पहले और तीसरे में जब बर्नौली लगाएंगे तो ये एच टी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। देखते हैं कैसे लगाएंगे। जब हम अप्लाई बर्नौली इक्वेशन इन फर्स्ट एंड थ्री, तो बर्नौली इक्वेशन कहती है पी वन अपॉन रो जी प्लस पी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच। ये पहले वाले पोर्शन के लिए, थर्ड वाले पोर्शन के लिए भी ऐसे ही लगा देंगे। तो प्रेशर दोनों टर्म्स का जीरो कर देंगे, दोनों साइड यहाँ एटमॉस्फेरिक से कनेक्ट है, और वी वन वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी जस्ट हम लोग वहाँ से पोर करना शुरू ही किए हैं तो पहले वाले पोर्शन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और तीसरे वाले पोर्शन की वेलोसिटी यहाँ से निकल आएगी। एच थ्री को हम बेस लेके चल रहे हैं तो एच थ्री भी जीरो हो जाएगा। तो हमारी वी थ्री की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू जी एच टी, मतलब थर्ड पोर्शन पे हमारी वैल्यू आ गई अंडर रूट टू जी एच टी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। ऐसे ही हम सेकेंड और थर्ड में लगाएंगे तो हमारी वी टू की भी वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी मोल्टन मटेरियल की वो आ जाएगी अंडर रूट टू जी एच सी। अब हमारी सेकेंड और थर्ड दोनों पे वेलोसिटी आ गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड की हमारी वेलोसिटी पता है तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे मोल्टन मटेरियल का फ्लो हो रहा है। तो रो वन रो सेकेंड में लगा रहे हैं तो रो टू ए टू वी टू, और थर्ड पे है तो रो थ्री ए थ्री वी थ्री, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। मटेरियल एक ही है तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा ए टू अपॉन ए थ्री हम निकाल लेंगे, ए थ्री को यहाँ लाएंगे और ये वी टू यहाँ चला जाएगा, तो ए टू अपॉन ए थ्री क्या आ गया, वी थ्री अपॉन वी टू। अब वी थ्री और वी टू की दोनों वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, वी थ्री की वैल्यू हमारी क्या आई थी अंडर रूट टू जी एच टी और वी टू की वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट टू जी एच सी। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा एच टी अपॉन एच सी का, यहाँ से हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो ऐसे रेशियो आ जाएगा ए टू अपॉन ए थ्री का होल स्क्वायर, अंडर रूट टू जी से अंडर रूट टू जी कैंसिल हो जाएगा और एच टी अपॉन एच सी का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, तो एच टी अपॉन एच सी क्या आ जाएगा अंडर ए टू अपॉन ए थ्री का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा स्प्रू होगा वो पैराबोलिक शेप में होगा। तो और ये पैराबोलिक शेप में होगा तो इसके डिज़ाइन में देख लेते हैं दो पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जो एरिया होगा ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज होगा, मतलब टेपर हम लोग, इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा टेपर दे रहे हैं, एक तो पैराबोलिक शेप में दे रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा टेपर दे रहे हैं। टेपर का मतलब ऊपर जो इसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, नीचे कम है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, जिससे कि ये एयर जो इसमें यहाँ पे है वो यहीं से बाहर ना जाए, पूरा गेटिंग थ्रू राइजर के थ्रू बाहर निकले, इसके लिए हम लोग गेटिंग डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, क्यों मिनिमम करना होता है, कास्टिंग यील्ड क्या होती है और गेटिंग डिज़ाइन। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताइए, और कोई और इम्प्रूवमेंट करना हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।